ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने लर्निंग कर्व में एक तो सिंपल लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन समझी, जिसमें हम प्रोडक्शन को डबल करते हुए चले जाते हैं, और एक हमने सीखा जब हमारे पास अगर मान लीजिए डबल करने वाली यूनिट्स नहीं हो, तो हमने लर्निंग कर्व इक्वेशंस की सीखी। लर्निंग कर्व इक्वेशंस में कुछ लॉग की एप्लीकेशंस थी वो समझी हमने। अब हम बेसिकली लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट सारे कर चुके हैं, अब हमें और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस करेंगे। P5 प्रॉब्लम देखेंगे, ये स्टडी मटेरियल की चौथी प्रॉब्लम है और ये स्टडी मटेरियल की आखिरी प्रॉब्लम है। लर्निंग कर्व में टोटल 4 प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट ने दी हुई है। चलिए पढ़ लें। अ कस्टमर हैज आस्क्ड योर कंपनी टू प्रिपेयर अ बिड ऑन सप्लाइंग 800 यूनिट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्शन विल बी इन बैचेज ऑफ 100 यूनिट्स, ये अंडरलाइन करें। बैचेज में प्रोडक्शन हो या लॉट वाइज प्रोडक्शन हो, तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि पूरी 100 यूनिट एक बार में बनेगी। आपने देखा होगा जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, वो बैचेज में प्रोडक्शन होती हैं। उनका जो केमिकल है, जो मिक्सचर है, वो एक पूरे बैच का एक मिक्सचर होता है। ठीक है। यू एस्टिमेट दैट द कॉस्ट फॉर फर्स्ट बैच, यहां पर टाइम नहीं है, यहां पर कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट दी हुई है। विल बी एवरेज 100 यूनिट। यू ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट 90% लर्निंग कर्व विल अप्लाई। प्रिपेयर अ एस्टिमेट ऑफ द लेबर कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एस्टिमेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोडक्शन रन टू प्रोड्यूस एन एडिशनल 800 यूनिट्स। ऑर्डर हमारा कितने का है? ऑर्डर हम बना रहे हैं 800 यूनिट का, और 800 यूनिट अगर एडिशनल है तो यानी कि हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा 1600 यूनिट का। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वो हम लोग बाद में करेंगे, तो पहले ये दो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, प्रॉब्लम है ये हमारी P5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें? स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग कर्व बनाएंगे। पहला कॉलम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, यहां पर अब टाइम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन में चूंकि हमारे अब दो चीजें हैं, एक तो है यूनिट और एक है बैच, तीसरा है आपका टोटल कॉस्ट, और चौथा है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है ना। चलिए, तो हमें पता है कि पहला बैच 100 यूनिट का है, एवरेज कॉस्ट 100 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 10,000। लर्निंग कर्व क्वेश्चन में 90% दे रखा है। प्रोडक्शन डबल करेंगे, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर से प्रोडक्शन डबल करेंगे, एवरेज कॉस्ट और कम हो जाएगी, फिर से प्रोडक्शन डबल करेंगे, एवरेज कॉस्ट और कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन फिर से डबल किया हमने, तीसरा
तो ये आ जाएगा हमारा 65.61। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000, ये 32,400, 58,320, 104,976। ठीक है सर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है पढ़िए। पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर एन एस्टीमेट ऑफ द लेबर कॉस्ट फॉर फुलफिलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉस्ट फॉर 800 यूनिट कितनी आ रही है? 58,320 रुपए। चलिए दूसरा क्या क्वेश्चन क्या है? एस्टीमेट द इंक्रीमेंट लेबर कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोडक्शन रन टू प्रोड्यूस